जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जीएस के फाइनल एग्ज़ाम का सेट 7 पढ़ेंगे, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जितने क्वेश्चन आते हैं जीएस के फाइनल एग्ज़ाम में वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसमें से 2-3 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, तो बढ़िया सा आप इसका प्रिपरेशन करें। चलिए हम सेट करवाते हैं, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन है, ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम वन शुड रीच द एग्ज़ाम सेंटर बिफोर डैश एग्ज़ाम। बोला एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम सेंटर पर कितने घंटे पहले पहुंचना चाहिए, तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। नंबर दो क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन कैन बी डन बाय द, जो हम लोग कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं वो कैसे हो सकता है, तो वर्बली और नॉन वर्बली दोनों का तरीका से हो सकता है। देखिए याद रखिए, वर्बली का मतलब होता है बोल के, और नॉन वर्बली का मतलब होता है इशारों में, ठीक है। तो दोनों तरीका से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नंबर तीन, When a using a word file in a computer, what do you mean by the term of the print preview? कहने का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, वो क्या होता है? तो देखिए, कोई भी फाइल को प्रिंट करने से पहले उसे हम लोग चेक करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, ताकि हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमने फाइल बनाया है वो सही है कि नहीं, तो चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शो द प्रीव्यू फाइल बिफोर द प्रिंट, ठीक है, यही हो जाएगा नंबर सी। नंबर चार, फॉर गुड रिलेशनशिप विद द अदर ऑफ, गुड रिलेशनशिप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, कोई भी बात होने के बाद, कोई भी काम होने के बाद थैंक यू बोलेंगे, तभी तो गुड रिलेशनशिप बनेगा। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स स्पीकिंग, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलकर, सही बात है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इशारों में करना, तो ये बात सही है, तो हमने ट्रू मार दिया, ठीक है भाई। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जीएस के फाइनल में समझो कि 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो एकदम बढ़िया से रखना, और 3 क्वेश्चन ही आपको पास करा सकता है। बैरियर टू कम्युनिकेशन, बोल रहा है कम्युनिकेशन के मार्ग में, कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन सा रुकावट पैदा कर सकता है, तो क्रिएट प्रॉब्लम इन ए कम्युनिकेशन, यही ना होगा, प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन करने में। नंबर सात, व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द जूम, कंप्यूटर में जूम का जो ऑप्शन होता है उसका क्या मतलब में होता है, तो जूम इन जूम आउट, बढ़ाना घटाना, इमेज को बड़ा करना छोटा करना। मेज द टर्म मूड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट द मिस सुटेबल आंसर, मूड ऑफ कम्युनिकेशन का आंसर किस में आएगा, तो कंप्यूटर में ही ना आएगा कम्युनिकेशन के रिलेटेड, और तो दूसरा में आएगा नहीं। व्हेन ए यूज ऑफ ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना, तो क्या होगा, ओपन न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, यही ना होगा, न्यू करते हैं तो अलग फाइल ओपन होकर आ जाता है। द फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, मान लीजिए कि आप पर बहुत तनाव है, आप पर बहुत ही क्या है, प्रेशर है, तो वो प्रेशर आपके शरीर में कौन सा सिम्टम यानी कौन सा लक्षण दिखाएगा, तो स्वीटिंग हैंड, आपका हाथ में क्या हो जाने लगेगा, पसीना होने लगेगा। व्हेन ए यूज ऑफ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द रेडो, रेडो का मतलब क्या होता है, रेडो प्रीवियस एक्शन, ठीक है, इसमें इसका आंसर इसी में रेडो दिया है। प्रिंटर इज द, प्रिंटर जो होता है पेरिफेरल होता है, ये हम लोगों के एग्जाम में पूछा था, हमने जब अपना एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था, और CPU का फुल फॉर्म पूछा था। शोइंग ए एंगर थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ, मान लीजिए कि कोई आपसे गुस्सा है तो उसका फेस जो होगा वो गुस्सा की तरह अपना फेस करेगा, तो वो जो फेस अपना गुस्सा की तरह करेगा तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बिना बोले हुए गुस्सा दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ब्रेन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वही हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। बींग एथिकल इज द इम्पोर्टेंट ऑफ, आपका हो जाएगा बोथ ऑफिशियल ऑफिस एंड पर्सनल लाइफ में, एथेटिक दोनों चाहिए में होता है। CPU स्टैंड फॉर द, सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। फॉर कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द मॉनिटर, देखिए कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है टीवी देखे ना, कंप्यूटर में जो टीवी होता है उसका मतलब क्या होता है, तो फॉर क्या करता है, फॉर व्यूइंग डाटा एंड इमेज, उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का डाटा देखते हैं और या उसका इमेज देखते हैं। नंबर 18, मेज द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन विद द गिवेन बिलो, नीड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आपको सर्वाइवल की होनी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 19 पर, इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाट इज द मीन्ड बाय द रेडो, पिछली भी क्वेश्चन यही पूछता है, रेडो अंडर द एक्शन। इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाट डू यू मीन बाय द, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इसका यही होगा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन ए कंप्यूटर इज यूज इन ए शिप। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है कंप्यूटर में वो जहाज पर उस एप्लीकेशन का यूज किसके लिए किया जाता है, तो कंपनी को लेटर लिखने के लिए, टू राइट लेटर ऑन ए कंपनी। इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू, वही होगा ओपन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, पिछली बार भी मैंने आपको बताया। मेज द टर्म एक्सटर्नल बैरियर, देखिए एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बाहर से आपको कौन रुकावट डाल सकता है बातचीत करने में, तो नॉइस। अगर आप बात कर रहे हैं तो बाहर चिल्ला चिल्ली होगा तो आपको बैरियर उत्पन्न होगा बात करने में, और इंटरनल बैरियर बोलेगा तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक्सटर्नल बोलेगा तो आपका नॉइज हो जाएगा। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोनिटर इज अ लाइक फॉर TV, जो मोनिटर होता है वो TV की तरह ही ना दिखता है कंप्यूटर में। कीबोर्ड इज अ लाइक फॉर, जो कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर की तरह दिखता है, उसका काम क्या होता है, टाइपिंग करना। द शोर पास द शिप स्टॉप इज इशू बाई द इमिग्रेशन, जहाज से अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो शोर पास कौन इशू करेगा, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो इशू करेगा। द कोर्स ऑफ द शिप इज इंटायर एवरी वॉच इन ए डेक लॉग बुक, अब देखिए ये GSK से पूछने लगा तो कोई बात नहीं, हम इसका भी करना ही पड़ेगा। द पर्पस ऑफ सोलार, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी का पर्पस क्या होता है, तो सेफ्टी करना, ठीक है, तो इनहेंस सेफ्टी इन ए लाइफ एट सी। MMD का पूरा नाम पूछा है तो मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, ये सबको पता है। द कन्वेंशन विच द सीट्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक लेबर राइट इज कॉल्ड ILO, ILO ही इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन के अंतर्गत लाता है कि क्रू को कितना सैलरी मिलना चाहिए और क्या क्या मिलना चाहिए। पोर्ट कस्टम प्रोविटेड द सीमेन फॉर प्रोसेसिंग द नारकोटिक ड्रग्स, कस्टम ऑफिसर नारकोटिक ड्रग्स पकड़ सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द शिप मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशन शिप इज ISM कोड के द्वारा होता है, इंटरनेशनल शिप मैनेजमेंट कोड। ऑन द कंप्लेंशन ऑफ द सी फेयर कॉन्ट्रैक्ट द रिप्रोडक्शन एक्सपेंशन विल बी बॉर्न बाय द, जहाज पर कोई भी खर्चा होता है सीमेन पर वो कौन सब करता है, उसके आने जाने का रहने का खर्चा, तो कंपनी बॉन्ड होती है करने के लिए, वो सारा एक्सपेंसिव कौन करेगी, कंपनी करेगी। द ऑथराइज्ड विच इज इंस्पेक्ट फॉरन शिप इज द नेशनल पोर्ट ऑफ कॉल्ड, अब इसको ध्यान से समझो, इसी में लड़के कन्फ्यूजन करते हैं। देखो पोर्ट स्टेट कंट्रोल का मतलब होता है कि, देखो पहले फ्लैग स्टेट कंट्रोल का मतलब समझो, फ्लैग स्टेट कंट्रोल का मतलब होता है FSC, अगर मान लो कि इंडिया की जहाज है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की जहाज होगी तो उसका फ्लैग क्या होगा, इंडियन होगा, इंडिया से रजिस्टर्ड होगी तो उसका फ्लैग क्या होगा, इंडियन होगा। तो अगर मान लो कि इंडियन फ्लैग की जहाज है और उसका इंस्पेक्शन इंडिया के किसी पोर्ट में होगा तो उसको बोलेंगे फ्लैग स्टेट कंट्रोल, ठीक है, बात समझ गए। पाकिस्तान की जहाज है, पाकिस्तान फ्लैग की जहाज है और उसका इंस्पेक्शन पाकिस्तान के ही किसी पोर्ट पर होगा तो उसको ही बोलेंगे फ्लैग स्टेट कंट्रोल। अमेरिका की जहाज है और अमेरिका फ्लैग की जहाज है और उसका इंस्पेक्शन अमेरिका के ही किसी पोर्ट पर होगा तो उसको बोलेंगे फ्लैग स्टेट कंट्रोल। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो कि इंडिया की जहाज़ है, इंडियन फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग की बात है, इंडिया की जहाज से मतलब नहीं है, माने इंडिया रजिस्टर्ड फ्लैग है, उसका फ्लैग क्या है, इंडियन है, और उसका इंस्पेक्शन सिंगापुर में हो रहा है, माने दूसरे कंट्री में होता है, तो उसको बोलते हैं पोर्ट स्टेट कंट्रोल। यानी अपने कंट्री का जहाज दूसरे कंट्री में इंस्पेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोर्ट स्टेट कंट्रोल, और खुद का फ्लैग का जहाज अगर खुद ही कंट्री में इंस्पेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे फ्लैग स्टेट कंट्रोल। तो इसका क्या हो जाएगा, तो पोर्ट स्टेट कंट्रोल है, क्योंकि ये जहाज फॉरेन शिप है और नेशनल पोर्ट पर इसका इंस्पेक्शन हो रहा है। PSC कैन बी डिटेन ए वेसल लाइफ इज, तो देखो इसमें दोनों हो सकता है, अगर रेड गार्ड नॉट प्लेस इन प्रॉपरली और कॉम्पटेंस ऑफ द क्रू इज बिलो स्टैंडर्ड, ये दोनों सही होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अंडर ICPC द एजेंट ISPS कोड, ISPS का फुल फॉर्म कमेंट में करो, तो लड़के लिखो तो ISPS का फुल फॉर्म क्या होता है। द अंडर ISPS कोड द एजेंट ऑन द बोर्डिंग द शिप शुड बी गिवन बाई द विजिटर कार्ड, विजिटर कार्ड देगा तभी आप जहाज पर जा सकते हो। द हाइएस्ट लेवल सिक्योरिटी मेंटेन बाई द अंडर द शिप इज 3, देखो सिक्योरिटी लेवल 3 होता है, सिक्योरिटी लेवल 1, 2, 3, और सबका क्या क्या नियम होता है शिप सिक्योरिटी में हमने पढ़ा दिया है। STSW स्टैंड फॉर द STCW लड़के भुगते हैं ना कि करना है, तो STCW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग, ठीक है, नंबर सी। नंबर 40 ISPS स्टैंड फॉर, अभी मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा था ना, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, नंबर बी इज द राइट आंसर।
नंबर 41, ए वेसल विच हैज़ द डेड पर्सन ऑन द बोर्ड शुड एंकर एट द, मान लीजिए कि एक जहाज़ है और उस पर एक कोई एक क्रू मर गया है, ठीक है, बॉडी उस पर है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो क्वारंटाइन एंकरेज डालकर वहीं पर रखोगे जब तक कोई पोर्ट वाला आदमी आके उसका इन्वेस्टिगेशन ना करे कि डेथ कैसे हुई है, तब तक वो जहाज़ क्या करेगी, जेटी में पोर्ट में नहीं जाएगी। ऑल एंट्री ऑफ द ऑप्शंस इन द ऑफिशियल लॉग बुक अगेंस्ट द सीमैन हैव टू बी द साइन बाय द, ऑफिशियल लॉग बुक में जितने भी होते हैं वो किस वो मास्टर और चीफ ऑफिसर और एक क्रू मेंबर उसमें साइन करता है। एनी एक्ट ऑफ मिसकंडक्टिंग रिक्वायर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सीमैन इज एंटायर ऑफ द, बोल रहा है कि अगर जहाज पर कोई भी सीमैन मिसकंडक्टिंग करता है, मिसव्यवहार करता है या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है तो वो किस में लिखा जाता है, तो ऑफिशियल लॉग बुक में लिखा जाता है। ए सीमैन इज गिल्टी ऑन ए ऑफेंस अगेंस्ट द डिसिप्लिन विथ द असॉल्ट अनदर सीमैन ऑन द बोर्ड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। CDC का पूरा नाम सबको पता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसको सीमैन बुक भी बोलते हैं। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन सही किया। व्यू सबमिट पर क्लिक करके हम लोग देखते हैं हम लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, तो हम लोग को 50 क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ईजी है और इसमें भी लड़के क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो देखो हम लोगों का सारा चीज़ क्या है, तो सही हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंक्वायरी हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें। अगर नोट्स वगैरह परचेस करना है, गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।